जय हिंद दोस्तों। इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है सीटेट आवेदन को लेकर। दोस्तों बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है, तो आपको मैं सब कुछ स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा इस वीडियो में, तो आप लोग बने रहिएगा। क्या सीटेट की ओर से न्यू अपडेट आ रहा है, तो आप लोग बने रहिएगा। तो चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखिए सीटेट 2022 को लेकर बड़े अपडेट इस दिन से शुरू हो सकते हैं। उसके बाद नीचे आते हैं, दिखाते हैं सीटेट 2022 सीबीएसई के अभ्यर्थी के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। हालांकि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा 2022 की विज्ञापन जल्दी जारी होने की उम्मीद जताई जा रहे हैं। परीक्षा के संबंध में अधिसूचना इस सप्ताह जारी किए जा सकते हैं। इससे पहले सीटेट दिसंबर परीक्षा के संबंध में एक सूचना पहले जारी किए जा चुके हैं। सीटेट 2022 से संबंधित सभी सवालों का जवाब आपको इस आर्टिकल में मिल जाएंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, दिखाएंगे। उसके बाद ये देखिए सीटेट 2022 एप्लीकेशन फॉर्म डेट। उसके बाद नीचे आते हैं, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बहुत ही जल्द शुरू किए जा सकते हैं। सूत्रों की जानकारी की माने तो 25 अगस्त से सीटेट 2022 रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद जताई जा रहे हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी तक इसकी घोषणा नहीं किए गए हैं। सूत्रों की माने तो सीटेट अधिसूचना अगस्त के महीने में जारी होने की संभावना जताई जा रहे हैं। 25 अगस्त से विशेषण की प्रक्रिया शुरू की जा रहे हैं। संभावित तारीखों को लेकर अभी भी अभ्यर्थी सब के लिए संयम बरकरार है। उसके बाद नीचे आते हैं, दिखाते हैं सीटेट 2022 पर जानने लेटेस्ट अपडेट। दोस्तों आपको बता दें कि सीटेट एग्जाम के तहत सरकारी शिक्षक बनने की प्रक्रिया को पूरा किए जा सकते हैं। पात्रता की जांच करने के लिए सीबीएसई द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर सीटेट का आयोजन साल में 2 बार किए जा रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकार के स्कूलों में प्राथमिक स्तर पर कक्षा 1 से 5 और कनिष्ठ स्तर पर 6 से 8 तक के लिए शिक्षक के रूप में योग्य आवेदकों की भर्ती के लिए सीटेट एग्जाम का आयोजन किए जा सकते हैं सीटेट 2022। तो दोस्तों आपने सब कुछ देख ही लिया होगा। इस वीडियो में मैंने सब कुछ आपको पढ़ करके बता दिया है। जो आपका सीटेट का आवेदन होने वाला है वो कब से चालू हो सकता है, तो भाई आप लोग तैयार रहिएगा, बहुत ही जल्दी इसका आवेदन शुरू होने वाला है। तो दोस्तों मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। यदि मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएगा दोस्तों, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलते हैं अगले वीडियो में, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।